ब्रह्म कमल कृष्ण कमल और नील कमल। दोस्तों आज का ये वीडियो इन तीन बेहद खूबसूरत और शुभ फल देने वाले रेयर और लकी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में है किस तरह से इनकी मिट्टी बनाई जाती है इन्हें प्रोपोगेट कैसे किया जाता है कौन सी खाद दी जाती है कैसे इन बेहद खूबसूरत फूलों के पौधों की केयर की जाती है जिससे आपको ढेर सारी फ्लावरिंग मिले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ये है ब्रह्म कमल इसे नाइट क्वीन भी कहते हैं इसका साइंटिफिक नेम सोसुएरा ऑब्वेलाटा है ये एक रेयर कैक्टस नुमा पौधा है ये मूल रूप से भारत के हिमालय पहाड़ों में पाया जाता है स्टार जैसा दिखने वाला ये फूल बेहद ही खूबसूरत है इस फूल के बारे में बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं लेकिन इसकी खासियत जानेंगे तो आप भी इसे अपने घर पर जरूर उगाना चाहेंगे ब्रह्म कमल एक सीक्रेट फ्लावर है ऐसा माना जाता है कि इस फूल को खिलते देखने से आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक आता है ये साल में सिर्फ एक बार खिलता है और वो भी सिर्फ रात के समय इसलिए इसे नाइट क्वीन भी कहते हैं फूल को खिलने में तीन चार घंटे का समय लगता है ये पौधा तीन साल पुराना है और पहली बार इसमें फ्लावरिंग हुई है जरा इसके फूल की खूबसूरती और साइज को देखिए अराउंड सात आठ इंच का इसका डायमीटर होगा इसे मैंने चौदह इंच के मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है दोस्तों ब्रह्म कमल को घर पर उगाना बहुत ही आसान है लेकिन इसे फूल देने लायक मेच्योर होने में दो से तीन साल लगते हैं ब्रह्म कमल कई तरह की दवाइयां बनाने में भी काम आता है साइंटिफिक रिसर्चेस में यह पता चला है कि ब्रह्म कमल खून साफ करने में मदद करता है आर्थराइटिस और दिल की बीमारियों के इलाज में भी इससे मदद मिलती है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल गुण होते हैं इसमें एंटी भी होते हैं जिसके कारण ये खांसी जुकाम से लेकर स्किन डिजीजेस के इलाज में भी फायदेमंद है तो चलिए देखते हैं ब्रह्म कमल को घर पर कैसे होगा दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरह के गार्डनिंग रिलेटेड यूनिक और हाई क्वालिटी वीडियोस बनाता रहता हूं अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ब्रह्म कमल का पौधा असल में एक सक्यूलेंट प्लांट होता है और ज्यादातर कैक्टस नुमा पौधों की तरह इसे भी इसकी पत्ती से ही उगाया जा सकता है अगर आपको इसकी पत्ती ना मिले तो पौधा नर्सरी से भी ला सकते हैं या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं इसकी एक हेल्दी पत्ती को नीचे से काट लीजिए इसे एक दिन के लिए शेड में सूखने के लिए रख देते हैं इससे कट वाले हिस्से पर कैलस की के लेयर फॉर्म हो जाएगी जिससे इसमें फंगस नहीं लगेगी कटिंग को मिट्टी में उगाने की जगह मिट्टी और रेत को आधा आधा मिलाकर अगर आप कटिंग ग्रो करेंगे तो दुगनी तेजी से जड़े निकलेंगी एक छोटा पॉट लीजिए जिसमें ड्रेनेज होल्स हो इसमें थोड़ा ग्रोइंग मीडिया भर देते हैं अब पत्ती को दो ढाई इंच गहरा लगा दीजिए मिट्टी भरकर अब इसमें अच्छी तरह से पानी दीजिए अगली बार इसमें पानी तभी देना है जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे अगर आप इसमें ज्यादा पानी डालेंगे तो कटिंग गल भी सकती है नई पत्तियां निकलने तक इसे शेड में रखिए। अब 20-25 दिनों में इसमें जड़ें निकल आएंगी और नई ग्रोथ शुरू होने लगेगी इस पत्ती को भी मैंने इसी तरह से 28 दिन पहले लगाया था चलिए इसे केयरफुली निकालकर चेक करते हैं इसकी रूट ग्रोथ को आप देख सकते हैं इसमें गजब की जबरदस्त रूट ग्रोथ हुई है और पत्ती के ठीक नीचे एक नया शूट निकल रहा है अब मैं इसे ऐसी जगह रखूंगा जहां इस पर सुबह की चार पांच घंटे की धूप आए, बाकी दिन की तेज धूप में ये शेड में रहे ब्रह्म कमल के पौधे के लिए प्लास्टिक या सीमेंट के गमले की जगह मिट्टी के गमले बेस्ट होते हैं क्योंकि मिट्टी के गमलों में बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं जिससे बहुत ही बढ़िया एरिएशन होता है जिससे रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है मैं इस चौदह इंच के गमले में पौधा उगाने वाला हूँ दोस्तों ब्रह्मकमल एक कैक्टस नुमा पौधा है इसलिए इसकी मिट्टी भी ऐसी होना चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल नहीं रुके और इसमें न्यूट्रिशन भी अच्छी तरह से मिल सके अगर आप सक्यूलेंट पौधे चिकनी और हैवी क्लेई मिट्टी में लगा देंगे तो इसमें ड्रेनेज अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा थोड़े दिनों में मिट्टी कड़क हो जाएगी और यही कारण है कि सक्यूलेंट या कैक्टस नुमा पौधे इस तरह की मिट्टी में रूट रॉट होने के कारण मर जाते हैं नाइट क्वीन के लिए बेस्ट स्पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए बराबर क्वांटिटी में गार्डन सॉइल वर्मी कंपोस्ट और बारीक रेत। इसमें दो मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिलाइए ये नेचुरल एंटीफंगल का, का काम करेगा चार महीने बाद जो लीफ हमने लगाई थी वो सूख गई है और इसमें से नई ब्रांचेस निकल आई हैं जिसमें नई पत्तियां भी आ रही हैं अब मैं इसे मिट्टी के बड़े गमले में ट्रांसफर कर दूंगा इसे ऐसी जगह रखें जहां इस पर सुबह की चार पांच घंटे की धूप आती हो बाकी समय ये ब्राइट एरिया में शेड में रहना चाहिए ब्रह्मकमल का हमारा पौधा अब एक साल का हो गया है पौधे की हाइट पांच छह फीट लंबी हो गई है और इसका तना भी देखिए कितना मोटा हो गया है जरा इसकी पत्तियों का ग्रोथ पैटर्न देखिए, कैसे एक ही पत्ती से कई सारी पत्तियां निकल रही है अच्छी ग्रोथ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप इसे किस जगह पर रखते हैं ये कैक्टस नुमा पौधा है इसलिए इसे धूप की जरूरत होती है लेकिन दोपहर की तेज धूप में भी इसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं तो मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा है जहां सुबह से लेकर दोपहर तक इस पर आधे दिन की धूप आती है बाकी दिन तेज धूप के समय में ये शेड में रहता है ब्रह्म कमल के पौधे को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती अच्छी ग्रोथ के लिए दो महीने में एक बार इसमें दो तीन मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद डालकर ऊपर की मिट्टी को हल्का लूज कर ले इससे न्यूट्रिशन और पानी जड़ों के नीचे तक जाएगा और अच्छा ड्रेनेज और एरिएशन मिलेगा ब्रह्मकमल का हमारा पौधा अब तीन साल का हो गया है और इसमें ढेर सारी छोटी छोटी कलियां भी आना शुरू हो गई हैं हालांकि इसमें से ज्यादातर कलियां झड़ जाएंगी ये कलियां पत्तियों के किनारों से ही निकलती हैं आज 24 अगस्त है और सितंबर से लेकर नवंबर तक इसमें फूल आते रहेंगे सात दिनों बाद ज्यादातर कलियां गिर गई हैं क्योंकि पहली फ्लावरिंग में ऐसा ही होता है कुछ कलियां इसमें बड़ी होने लगी हैं आठ दिनों बाद कली का साइज और बड़ा हो गया है अब एक दो दिन में ये खिलने वाली है अगले ही दिन सुबह कली ओपन होना शुरू हो गई है देखिए अंदर से इसकी व्हाइट पंखुड़ियां दिखने लगी हैं इसका मतलब ये आज रात को ही खिलेगा अभी शाम के सात बजे हैं और सनसेट हो रहा है अब जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी इसका फूल धीरे धीरे खिलता रहेगा रात के पौने आठ बज चुके हैं कली अब खिलना शुरू हो गई है अभी बज रहे हैं रात के नौ ब्रह्म कमल का फूल आधा खिल गया है साढ़े नौ बज चुके हैं थोड़ी देर में फूल पूरा खिल जाएगा दोस्तों रात के बारह बज चुके हैं ब्रह्म कमल के हमारे फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं जरा इसका साइज और खूबसूरती देखिए आखिरकार तीन साल की मेहनत के बाद इसमें पहली बार फूल खिले हैं और दोस्तों इसमें से इतनी गजब की खुशबू आ रही है कि पूरा टेरिस गार्डन इसकी खुशबू से महक रहा है इस रेयर ब्रह्म कमल के फूल को खिलते हुए देखना अपने आप में ही एक मेसमराइजिंग एक्सपीरियंस है ब्रह्म कमल के फूल की पूजा भी की जाती है ऐसा माना जाता है कि ये फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है इसलिए इसे मनोकामना पूर्ति के लिए शिव जी को भी चढ़ाया जाता है अब सुबह होते होते ये धीरे धीरे बंद होने लगेगा अगली सुबह फूल बंद हो चुका है और मुरझा गया है वैसे तो ब्रह्म कमल के पौधे में बीमारियां नहीं लगती लेकिन इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है ओवर ज्यादा पानी देने से जड़ों में मॉइस्चर बढ़ जाता है जिसके कारण रूट रॉट हो जाता है और रूट गलने की वजह से पौधा सूख भी जाता है ब्रह्म कमल को बहुत कम पानी की जरूरत होती है इसलिए इसे बाकी पौधों के साथ रोजाना पानी नहीं देना चाहिए इसमें पानी तभी दे जब छूने पर ऊपर की एक इंच मिट्टी सूखी महसूस हो मिट्टी में ज्यादा नमी होने के सिग्नल आपके पौधों की पत्तियों पर दिखने लगेंगे आप देख सकते हैं पत्तियों पर ये ब्राउन स्पॉट हो रहे हैं ये फंगस इन्फेक्शन की शुरुआत है ऐसा अक्सर बारिश के मौसम के बाद होता है इस पर ध्यान नहीं दिया तो पत्तियां धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएंगी और इस तरह से खराब होकर सूख जाएंगी सूखी हुई और इन्फेक्टेड पत्तियों को काट दीजिए इसके ट्रीटमेंट के लिए वाटरिंग साइकिल कम कर दीजिए एक लीटर पानी में एक चौथाई चम्मच साफ फंगिसाइड पाउडर मिलाकर पूरे पौधे पर स्प्रे कीजिए और इसी पानी को मिट्टी में भी डाल दीजिए पंद्रह दिन बाद इस ट्रीटमेंट को एक बार फिर रिपीट कीजिए अगला शुभ फल देने वाला खुशबुदार और गजब का खूबसूरत फूल है कृष्ण कमल जिसे पैशन फ्लावर कौरव पांडव या राखी बेल के नाम से भी जाना जाता है इसका साइंटिफिक नाम है पेसीफ्लोरा इनकारनेटा ये पौधा बेल की तरह उगता है वास्तु के हिसाब से इस पौधे को घर के नॉर्थ ईस्ट में उगाना बहुत शुभ माना जाता है मेरे पास इसकी पर्पल और रेड कलर की वेराइटीज हैं। इसे गमले में उगाना बहुत आसान है इसकी बेल को चढ़ने और फैलने की जगह चाहिए होती है आप चाहें तो इसे अपनी गैलरी या ग्रिल पर फैला सकते हैं मैंने इसे एक 24 इंच के बड़े सीमेंट पॉट में लगाया है और बैम्बू स्टिक पर इस तरह से लोहे के मोटे वायर की रिंग जोड़कर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया है जिस पर बेल फैल रही है इसका पौधा आपके आसपास की किसी भी नर्सरी में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा पैशन फ्लावर को आप कलम से भी उगा सकते हैं कलम के लिए इस तरह की ब्रांच बेस्ट होती है ज्यादा मोटी या बिल्कुल नई ब्रांच या हरी ब्रांच कटिंग के लिए अच्छी नहीं होती इसे शार्प कटर से कट कर लेते हैं कलम लगाने के लिए 50% परसेंट वर्मी कंपोस्ट और 50% परसेंट कोकोपीट का मिक्सचर बनाकर मैंने इस पॉट में भर लिया है सभी पत्तियों को भी हटा देते हैं ऊपर का पतला हिस्सा काट देते हैं जल्दी रूटिंग के लिए इसके कट वाले हिस्से पर हल्दी शहद या एलोवेरा जेल लगाइए ये नेचुरल रूटिंग हॉर्मोन का काम करते हैं एक लकड़ी की मदद से मिट्टी में होल कर लेते हैं और कलम को लगाकर इसमें थोड़ा पानी दे, दे देते हैं इसके बाद इसमें पानी मिट्टी थोड़ी सूखने पर ही डालें। 16 दिनों बाद कलम में नई शूट निकल आई है पौधा अभी भी नाजुक है इसलिए इसे सेमी शेड एरिया में रखें। थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो जाए इसके बाद इसे पूरी धूप में उगाए इसमें लगभग पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है इसके फूल बेहद खुशबूदार होते हैं ये धूप निकलने पर खिलते हैं और अंधेरा होने पर बंद होकर मुरझा जाते हैं इसका फल भी खाने लायक होता है जिसे पैशन फ्रूट कहते हैं ये बेहद लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसको ज्यादा केयर की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आपको खुशबूदार फूल पसंद है तो आपके प्लांट कलेक्शन में पैशन फ्लावर जरूर होना चाहिए ये सन लविंग प्लांट है इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसमें सात आठ घंटे की धूप आए बेल की लंबी ब्रांचेस को रेगुलर कटिंग करते रहें, इससे नई ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा घना होगा और ज्यादा फूल देगा अगला रेयर और खूबसूरत खुशबूदार फूल है नीलकमल इसे ब्लू लोटस भी कहते हैं असल में ये कमल नहीं वाटर लिली की एक वैरायटी होती है इसका साइंटिफिक नेम है निम्फेरा नौचली ये वेरायटी रोजाना पूरे साल नॉन फूल देती रहती है धार्मिक मान्यता है कि नीलकमल घर पर उगाने से पॉजिटिव एनर्जी और सौभाग्य मिलता है नीलकमल का पौधा किसी बड़ी नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। इसके बल्ब आपको एमेजॉन पर सर्च करने पर भी आसानी से मिल जाएंगे ये नीलकमल का प्लांट मैंने अपनी लोकल नर्सरी से पांच सौ में खरीदा है इसे आप पानी के टब में उगा सकते हैं आपको पौधा उगाने के दस दिन पहले से मिट्टी तैयार करना शुरू करना होगा एक बड़ा प्लास्टिक टब लीजिए अब सबसे नीचे रेत की एक इंच की लेयर डालिए अब वर्मी कंपोस्ट की दो इंच की लेयर डालिए इसके ऊपर चिकनी मिट्टी की चार इंच की लेयर बनाना है अब दोबारा दो इंच की वर्मी कंपोस्ट की लेयर बनाइए अब लास्ट में दो तीन इंच मिट्टी की लेयर बनाइए ध्यान रहे कि कंटेनर का एक तिहाई वन थर्ड हिस्सा आपको खाली छोड़ना है अब इसमें इतना पानी डालिए कि मिट्टी अंदर डूब जाए अब इसे इसी तरह से कम से कम दस दिनों के लिए छोड़ना है ताकि मिट्टी अच्छी तरह से कीचड़ जैसी हो जाए दस दिनों बाद मिट्टी एकदम कीचड़ जैसी हो गई है अब इसमें पौधे को लगा दीजिए मिट्टी को डिस्टर्ब किए बिना इसमें पानी डालिए तीन दिनों बाद प्लांट सेटल हो गया है ट्रांसप्लांट के एक महीने बाद ढेर सारी पत्तियां निकल आई हैं। अस्सी दिनों बाद इसमें पहली बार कली निकल आई है फाइनलीटी थ्री डेज बाद इसमें पहला फूल खिला है इसमें लेवेंडर जैसी गजब की खुशबू आ रही है ये सुबह धूप निकलने पर खिलता है और सनसेट पर वापस बंद हो जाता है ये फूल दो तीन दिन तक इसी तरह से खुलता बंद होता रहता है लोटस या वाटर लिली की पुरानी पत्तियां और फूल गलकर पानी के नीचे चले जाते हैं इसलिए हफ्ते दस दिन में एक बार सड़ी हुई पत्तियों और अंदर डूबी हुई कलियों को निकालकर साफ करना चाहिए वाटर प्लांट उगाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मच्छर के लार्वा ठहरे हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं इससे निपटने के लिए बेस्ट तरीका होता है या तो आप कंटेनर में फ्लोटिंग प्लांट्स उगाइए या इसमें फिशेस डालिए लोटस पॉन्ड या टब में डालने के लिए गप्पी फिश और मॉली फिश बेस्ट होती है अगर आप एक टब में दो फिशेज भी डालें तो ये सारे मच्छर के लार्वा खा जाएंगी ध्यान रहे की मछलियाँ आपको पौधा लगाने के तुरंत बाढ़ नहीं डालना है पन्द्रह बीस दिनों के बाद जब पौधा सेटल हो जाए और पानी साफ हो जाए तभी इसमें मछलियां डालें दोस्तों लोटस और वाटर लिलीज उगाने पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है अगर वीडियो आपने मिस कर दिया है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्रिंट कमेंट में भी दे रहा हूं तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर पर ब्रह्मकमल कृष्ण कमल और नील कमल के पौधे बड़ी ही आसानी से उगाकर ढेर सारे खूबसूरत फूल पा सकते हैं और यह है आज का कमेंट ऑफ द वी तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग